कामोठ येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या लोकनेते रामशेठ ठाकूर इंग्लिश मीडियम आणि ज्युनियर कॉलेज आणि लोकनेते रामशेठ ठाकूर पब्लिक स्कूलमध्ये सोमवारी 75वा स्वातंत्र्य दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या ठिकाणी विद्यालयाचे चेअरमॅन तथा भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. यावेळी शैक्षणिक वर्षात झालेल्या विविध स्पर्धांमधील विजयी विद्यार्थ्यांचे उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आले. भारताच्या 75व्या स्वातंत्र्य दिनाचा कार्यक्रम कामोठे येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या लोकनेते रामशेठ ठाकूर इंग्लिश मीडियम स्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज तसेच लोकनेते रामशेठ ठाकूर पब्लिक स्कूलमध्ये मोठ्या उत्साहात आणि देशभक्तीपूर्ण वातावरणात साजरा करण्यात आला. ध्वजारोहणानंतर झालेल्या कार्यक्रमात आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते 10वी आणि 12वीमध्ये प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक पटकावलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी पनवेल महापालिकेचे माजी नगरसेवक डॉ अरुणकुमार भगत, विकास घरत, भाजपचे कामोठे शहर अध्यक्ष रवी जोशी, युवा नेते हॅपी सिंग, महिला मोर्चाच्या आशा भगत, सचिन पाटील, रयतचे इन्स्पेक्टर आर पी ठाकूर, PRO बाळासाहेब कारंडे, इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या मुख्याध्यापिका स्वप्नाली म्हात्रे, पब्लिक स्कूलच्या मुख्याध्यापिका अर्चना चव्हाण, गुजर सर, पालक संघाचे प्रतिनिधी, विद्यार्थी आणि मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देश मजबूतीच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे प्रतिपादन करून उपस्थितांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. होनार बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद है. हमारी ही एक बच्ची ने यहाँ पर उल्लेख किया कि आज देश का सबसे प्रथम श्रेणी का पद अगर कोई धारण कर रहा है तो हमारी आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी. आज द्रौपदी मुर्मू जी के लिए हम सभी के मन में गर्व है. क्यों है? क्योंकि एक आदिवासी समाज से एक शिक्षिका आगे आती है, टीचर आगे आती है और आगे आकर फिर MLA, मंत्री, राज्यपाल और उसके बाद आज वो देश की राष्ट्रपति बन चुकी है. हम सभी को उनके ऊपर गर्व है और सभी को उनके लिए यहाँ पर गर्व महसूस करना चाहिए कि किस तरीके से आदिवासी जनजाति के लोग जो आज भी कहीं तो मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक महिला आगे आकर इस देश की एक नंबर का जो पद है राजनीतिक पद, उस पद को धारण करती है. और उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा कि मैं साबित करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे जिस तरीके से ये अवसर मिला, इसको देखते हुए हमारी देश की हर एक महिला आगे आए और अपने आप को साबित करे. हमारे देश की हर एक आदिवासी पिछड़े जनजातियों से आने वाली हर एक छोटी छोटी बच्ची कहीं भी ये नहीं समझे कि मुझे मर्यादा है, क्योंकि मेरे आगे खंभा है, मेरे घर में भेड़िया है. नहीं, हम आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और स्काई इज द लिमिट. हमारे सामने कुछ भी यहाँ पर कोई भेड़िया हो नहीं सकती. मराठी के कवि कुसुमाग्रज, उन्होंने कहा है कि आज ये सागर जो है, तो सागर के बारे में कहते हुए उन्होंने कहा हुआ है कि अनंत ऊंची या शक्ति अनंत अनाशा किनारा तुलापा मराला. यानी हमारी इतनी एम्बिशंस है कि इसके आगे कोई लिमिट नहीं है. और इसी तरीके से हमारी स्कूल का हर बच्चा, हमारी स्कूल की हर बच्ची आगे बढ़ना चाहती है, न सिर्फ कामोठा बल्कि पूरे पनवेल महाराष्ट्र देश के किसी भी सीमाओं को हम नहीं पहचानेंगे जब हमें कुछ परफॉर्म करना होगा. आज देश का अमृत महोत्सवी वर्ष है स्वतंत्रता का. 75 साल पूरे हो रहे हैं, 76 साल में हम पदार्पण कर रहे हैं. ऐसे में हमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर एक जो परफॉर्मर है, उसने ये हमारे लिए प्रेरणा दी है कि हम आगे बढ़ेंगे और हमारे स्कूल का, हमारे परिवार का, कामोठे का, महानगर क्षेत्र का नाम रोशन करते रहेंगे. इस आज स्वतंत्रता दिवस के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. कई सारी उपलब्धियाँ स्कूल ने पिछले समय में की है, उसमें और बढ़ोतरी होते हुए आप सभी आगे बढ़ते रहें. आपको मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जय हिंद, जय भारत.